स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परफेक्ट टिप्स फॉर यू में। दोस्तों आज आपकी खिदमत में एक इतना आसान तरीन नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ कि दो चार बादाम लेकर आप इसको बना सकते हैं और इसकी ताकत और कुव्वत इतनी ज़्यादा है कि मर्द हजरात इसका अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें और उसने कई कई साल अपनी हाथ गाड़ी चलाई और इतनी कमज़ोरी आ गई कि उनके तनासुल खड़े नहीं होते, सख्त नहीं होते, तो उनके लिए बहुत ये मुफीद चीज़ है। जिन हजरात ने गलतकारियाँ इतनी करी हैं कि उनके तनासुल मुड़ चुके हैं, छोटे हो गए हैं, लेकिन उनके तनासुल में बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा, लाखों रुपए वो हकीमों पर उठा चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह 15 दिन इसका इस्तेमाल करके आप जब अपनी अहलिया के पास जाएंगे तो आपकी ताकत और कुव्वत इतनी होगी कि आपकी अहलिया आपके सामने हाथ जोड़ ले। केवल बादाम से आप इसको तैयार कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताकत और कुव्वत के लिहाज से बहुत मुफीद चीज़ है। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है वीडियो मुकम्मल वाच करें और जिस भी तरीके से मैं बताऊँ उस तरीके से इस्तेमाल करें, परहेज़ के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सबसे पहले तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी नई और ताजा वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आप अपनी गलतकारियां छोड़ दें। खट्टी चीज़ें, फास्ट फूड, बीड़ी, शराब, सिगरेट, गुटखा, तली भुनी हुई चीज़ें, गर्म चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान मर्द के लिए तो बहुत ख़राब है, आपकी ताकत और कुव्वत को ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल छोड़ देनी है, इनका बिल्कुल परहेज़ करना है जब तक आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करें। साथ ही आपको अपनी अहलिया से भी दूरी बनाकर रखनी है और आपको जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है या सुबह में टहलने जाना है, जॉगिंग पर जाना है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी फॉलो करें इस नुस्खे के साथ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। नुस्खे की तरफ आते हैं, आपको इसमें करना क्या है, इसमें आपको 7 अदद की मात्रा में बादाम लेने हैं, रात को पानी में भिगो दें बादाम को और सुबह में इनका छिलका उतार कर आपको खरल में इसको बारीक बिल्कुल कूट लेना है, बारीक बिल्कुल इसका पेस्ट बना लें। जब इसका पेस्ट बन जाएगा तो इसमें आपको मक्खन मिलाना है, 10 ग्राम या 15 ग्राम की मात्रा में आपको इसमें मक्खन मिलाना है और मक्खन मिलाकर इसको अच्छी तरह खलर करना है और हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी मिला लें। आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो चीनी मिला सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ये आप सुबह में खाली पेट नाश्ते से कम 1 से 1.5 घंटा पहले इसको खा लेना है और ऊपर से दूध पी लेना है, इंशाल्लाह ये आपकी ताकत और कुव्वत में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। जो हजरात ताकत और कुव्वत को लेकर परेशान हैं, जिनकी ताकत और कुव्वत बहुत कम है, टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आए होगी, पसंद आए होगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।